और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा भय सत्य हो जाएगा और माँ कैलाश और हमें छोड़कर चली जाएंगी और इस बार पिताश्री माँ से विरह सह नहीं पाएंगे, कहीं संसार को विनाश का मुख ना देखना पड़ जाए। क्या हुआ पार्वती, किसी बात से क्रोधित हैं आप? नहीं प्रभु। तो मुझसे कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका मन अशांत? नहीं प्रभु। तो फिर क्या कारण है? बहुत समय से हम भ्रमण पर नहीं गए, क्या इससे शुभ हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, आपसे या इस कैलाश में किसी और से कोई भूल नहीं हुई है। पार्वती, कुछ तो है जिसके कारण आपका मन शांत नहीं है। हम पति पत्नी हैं प्रिय, किसी रहस्य के कारण हमारे बीच दूरी उत्पन्न हो, ये उचित नहीं है। आपके हृदय में जो भी है उसे बांटिए प्रिय। अपनी पत्नी का हृदय जानने का अधिकार मत छीनिए मुझसे। मैं कौन हूं स्वामी? ये कैसा प्रश्न है देव? अकारण नहीं है प्रभु, उत्तर दीजिए। आप महाराज हिमपंत की पुत्री हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं, कार्तिकेय और गणेश की मां भी हैं। आप कौन हैं प्रभु? कहना क्या चाहती हैं आप? किसी भी देवता को, मुझे या स्वयं आपको यदि अपना परिचय किसी को देना होता है तो आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से अर्जित विशेषणों का ही प्रयोग किया जाता है, यही परंपरा है। और ये केवल आपके साथ ही नहीं है प्रभु, हर पुरुष की पहचान उसके कर्म से होती है, परंतु हर स्त्री की पहचान इस बात से होती है कि वो किसकी पुत्री, पत्नी या माँ है। ये सत्य है महादेव कि मैं महाराज हेमवंत की पुत्री, आपकी अर्धांगिनी और कार्तिकी और गणेश की माँ होने पर मुझे गर्व है, पर अपनी पहचान इस परिचय तक ही सीमित रह जाने के कारण मैं अपने अस्तित्व का एक अंश खोती जा रही हूँ महादेव। कैलाश, कैलाश मेरा घर है महादेव, इसे सजाने और संवारने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, पर केवल मेरा घर ही मेरा सारा संसार तो नहीं हो सकता ना प्रभु। मैं तो जगत जननी, तो मेरी ममता केवल मेरे पुत्रों तक ही सीमित क्यों? ये जानते हुए कि मेरी अन्य संतानें इतनी भीषण कष्टों के भंवर में फंसने वाली है, मैं उनका दुख क्यों नहीं हर सकती? ऐसा क्यों महादेव? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं पार्वती? साक्षात शक्ति है, अदृश्य रूप में सृष्टि के कण कण में प्राण आपके कारण ही है। पर यह पर्याप्त नहीं है महादेव, मुझे स्पष्ट आभास हो रहा है कि महिषासुर इस संसार के लिए विध्वंस का ऐसा स्वरूप बनने वाला है जिसे रोकना इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। और मैं चाहती कि उसका अंत मैं करूं। ओम ब्रह्म।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई महिषासुर। राम ब्रह्मदेव। मैं प्रसन्न। वर मांगो। यदि आपको प्रसन्न करने के बाद भी कोई साधारण वरदान मांग लिया तो फिर इतने वर्षों की कठोर तपस्या का क्या लाभ। इसलिए मुझे केवल एक ही वरदान प्रदान कीजिए। अमरता का वरदान। अमरता का वरदान। स्पष्ट कहिए पार्वती, क्या करना चाहती हैं आप? इतने वर्षों में मैंने अनुभव किया है महादेव कि कैसे सभी आपके इस भोले स्वभाव का लाभ उठाते हैं। विशेष रूप से ये दुष्ट असुर भक्ति का मार्ग केवल एक ही लक्ष्य, एक ही कारण की वजह से अपनाते हैं, ताकि उन्हें अमृत और असीम शक्ति का वरदान प्राप्त हो। और जैसे ही आपसे या किसी और से उन्हें ये वरदान प्राप्त होता है, ये पूरे संसार के लिए अभिशाप बन जाते हैं। अमरता प्रदान कीजिए मुझे। अमरता। तुम अच्छी तरह से जानते हो महिषासुर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। अमरता विधि के विधान के विरुद्ध है। इसे छोड़कर और कोई भी वरदान मांग लो, मैं सहर्ष दूंगा। तो फिर उचित है मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी पशु पक्षी, किसी भी प्रजाति का कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। और जहां तक स्त्री का प्रश्न उठता है, स्त्री तो मात्र स्त्री होती है। उसके जन्म का तो एकमात्र उद्देश्य होता है पुरुष की चाकरी करना। पुरुष स्वामी होता है और स्त्री मात्र दासी। भला एक अबला और दुर्बल स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मरता। अमरता प्राप्त हो गई मुझे। अमरता। अमरता। अमर हूं मैं। अमर है महिषासुर। अमर। ऐसा नहीं है प्रभु कि एक पिता होने के नाते आप उन्हें चेतावनी नहीं देते, परंतु आपके दिए हुए सुझाव को अनसुना करके अति की उद्दंडता करते हैं। और इसीलिए एक माँ होने के नाते मैं उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहती हूँ जिससे वो लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। परंतु महादेव, ये कैलाश में रहकर संभव नहीं हो पाएगा। आप कैलाश छोड़कर जाना चाहती हैं पार्वती? मुझे छोड़कर मुझसे दूर जाना चाहती हैं? ऐसा मत कहिए महादेव,
यदि आप ही ऐसी प्रतिक्रिया देंगे तो कार्तिकी और गणेश को कैसे संभालेंगे? इस संतान की चिंता है आपको देवी, मेरी नहीं। जानती हैं, जब आप मुझसे दूर थे तो एक एक श्वास लेना कितना कठिन था मेरे लिए। आपके बिना मैं अधूरा हूं पार्वती। मैं शरीर हूं तो मेरी आत्मा आप है। आपसे इस विरह की असहनीय पीड़ा का आभास मुझे अब तक है महादेव, और यही कारण है कि अपने हृदय में ये बात होते हुए भी मैं आप तक ये बात पहुंचाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। पर सत्य ये है कि संसार के लिए सक्रिय रूप से कुछ करना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया। इतना आवश्यक कि यदि मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मेरे लिए श्वास लेना भी असंभव हो जाएगा। भीतर ही भीतर मैं घुट जाऊंगी, और इसलिए महादेव आपको मेरा साथ देना ही होगा। सुनो असुरो, महाशक्तिशाली अमृतों के स्वामी असुर महाराज महिषासुर का आदेश है कि जो भी हमारे समक्ष आए उसे नष्ट कर दो, जला दो। बालकों और पुरुषों के प्राण ले लो, महिलाओं को बंदी बना लो, तीनों लोकों में ऐसा विध्वंस मचा दो त्रिलोक त्राही त्राही कर उठे। आक्रमण! दया दया राक्षस राज, प्राण दान दीजिए। अपने अपने प्राणों की रक्षा करो। एक और महिषासुर ने सभी देवताओं को बंदी बनाकर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया। अब मैं हूं स्वर्गाधिपति महिषासुर। इंद्र नहीं, मैं हूं स्वर्ग का राजा। और तुम सब सब मात्र मेरे दास हो, दास। और आज के पश्चात तुम सब वही करोगे जो मैं तुमसे करने कहूंगा। हम युद्ध में पराजित हुए महिषासुर, तुम्हारे बंदी हैं, दास नहीं। पराजित होकर भी इतना अभिमान, हास्यास्पद है। सेनापति, हाहाहाहा
आरंभ करो। स्वर्ग की प्रत्येक सुंदरी अब मेरे संकेत पर नृत्य करेगी। मेरे बस बस करो, इन स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करना बंद करो। हम तुम्हारे दास बनने के लिए तैयार हैं महिषासुर। हाँ, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे हम। अब आए ना तुम मार्ग पर। आकर्षण से परिपूर्ण है तुम सभी का सौंदर्य। ऐसे पंक्ति में मत खड़ी रहो, आगे बढ़ो। महाराज महिषासुर निकट से देखेंगे तभी तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव कर पाएंगे। बताओ सुंदरी, तुम में से सर्वप्रथम कौन बनना चाहेगा महिषासुर की शैया की शोभा? हाँ, तुम या फिर तुम? अधम, नीच, स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। एक तो इतना सौंदर्य, उस पर ये क्रोध, ये तो मुझे और भी ललाहित कर रहा है सुंदरी। तो अब जब तुमने दंड की चर्चा कर ही ली है तो दंड तो मिलना ही चाहिए, क्यों? सेनापति, स्त्रियों के प्रति महिषासुर का व्यवहार इतना भयानक था कि आज भी जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है उन्हें महिषासुर के नाम से पुकारा जाता है। और जब जब कोई महिषासुर जन्म लेता है तब तब उसका अंत करने एक शक्ति भी जन्म लेती है।